are going to start our first chapter of 6th standard. Our chapter name is Source of History. As we know, early in the morning you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incidents. After some time, these events became the past. हमारे घर पे जो सुबह न्यूज़पेपर आता है जिसकी वजह से हम हमारा जो डेली इवेंट्स या फिर इंसिडेंट्स है उसके बारे में हम जान सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो इंसिडेंट्स है वो हमारा पास्ट हो जाता है. वी रिकॉल द डेट एंड टाइम व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट्स हैपन्स. फोटोग्राफ्स एंड डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन द न्यूज़पेपर हेल्प अस टू नो अवर हिस्ट्री. न्यूज़पेपर में पास्ट इवेंट्स के रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ्स या फिर इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम हमारी हिस्ट्री को जान पाते हैं. नाउ हियर इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इन द बिसाइड पेंटिंग्स यू कैन सी अ स्टैम्प, एन आइडल, अ सील, यूटेंसिल्स, वेसल्स एंड वेरियस अदर्स टूल्स. यहाँ पर कुछ हिस्ट्री को जानने के लिए कुछ सोर्सेस दिए हैं, जैसे कि स्टैम्प है, आइडल है, सील है, यूटेंसिल है, बर्तन है, एक्सेट्रा. इट इज़ अ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट सिचुएशन. प्रेजेंट सिचुएशन को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास पास्ट का नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. वी नो हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम ओल्ड और एंशियंट बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स, स्टेपवेल्स एंड अदर साइट्स. हम हमारी हजारों साल पुरानी जो हिस्ट्री है उसको भी जान सकते हैं. कैसे? तो जो पुरानी बिल्डिंग्स है, साइट्स है, टेम्पल्स है, स्टेपवेल्स है, उसके बारे में रिसर्च करके, उसके बारे में जान के. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिलेनियम गैलरी. In December 2000, most of the newspaper had published various articles with photographs on the incidents and events of the 20th century, which became famous as the Millennium Gallery. एक समय चला था 2000 में जब कि most of जितने भी newspaper थे उन्होंने अपने newspaper में incidents के related photographs and article को publish किया था. बहुत सारे फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स पब्लिश करने की वजह से ये जो टाइम था वो मिलेनियम गैलरी के नाम से काफ़ी फेमस हुआ. नाउ हियर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेबल सोर्सेस इन विच फर्स्ट वन इज ताड़पत्रास, सेकंड वन इज भोजपत्रास, थर्ड वन इज इंस्क्रिप्शन एंड फोर्थ वन इज ताम्रपत्रास. अभी हम ये जो चार रिलेबल सोर्सेस है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. Now, in which first one is, what do you mean by Tarpatras and Bhojpatras? The Tarpatras and Bhojpatras are manuscripts written mostly in the Brahmin scripts, and some of them. Tarpatras and Bhojpatras, ye ek tarah ke manuscripts hai jo ki Brahmin scripts mein likhe jate hai. Bhojpatras are made from the skin of a tree named Bhoj. अभी उसमें से सबसे पहले भोजपत्रास यानी क्या, तो भोजपत्रास वो भोज नाम की जो ट्री है, पेड़ है, उसकी जो बार्क है उसके ऊपर हम जो लिखावट करते हैं उसको हम कहते हैं भोजपत्रास. नाउ व्हाट इज ताड़पत्रास. ताड़पत्रास आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ ए ट्री नेम्ड पाम ट्री. जो पाम का जो ट्री है उसकी स्किन को हम यूज करते हैं और उसके ऊपर हम जो लिखावट करते हैं उसको कहते हैं हम ताड़पत्रास. Although most of the Brahmi manuscripts have been destroyed by insects, बहुत सारे जो ब्राह्मी manuscripts है, मतलब कि ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास है, वो insects के खा जाने की वजह से destroy हो चुके हैं. लेकिन उसमें जो कुछ manuscripts है वो temples, vihars, libraries या फिर government museum में अभी भी preserve किए गए हैं. Now third one is, what do you mean by inscription and ताम्रपत्रास. Already हमने भोजपत्रास एंड ताड़पत्रास के बारे में जाना है, अभी हम जानेंगे inscription. So what is an inscription? In ancient times, main incidents like achievements of kings, writings of orders and treaties with other states were carved on stones or metal plates are known as inscription. बहुत समय पहले जो राजा और महाराजा थे वो अपने अचीवमेंट्स या फिर अपने जो ऑर्डर्स जो भी पास करते थे उसको एक पत्थर में या फिर मेटल प्लेट्स में वो कार्व करवाते थे या फिर लिखते थे, जिसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं. नाउ व्हाट इज ताम्रपत्रास. ताम्र मीन्स कॉपर. जो लिखावट कॉपर के ऊपर की जाए
उसको हम कहते हैं ताम्रपत्र। नाउ फोर्थ वन इज वेसेल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड एंशियंट ऑर्नामेंट्स आर फाउंड विच हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम्स। एक्सकेवेशन के समय, एक्सकेवेशन मीन्स कि जो हम खुदाई काम करते हैं, तो ये जो खुदाई काम के समय में जो यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड एंशियंट ऑर्नामेंट्स जो भी हमें मिले हैं, जिसकी वजह से हम हमारा जो एंशियंट टाइम्स की जो हिस्ट्री है वो जान सकते हैं। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन साइट्स, जस्ट एज आर्कियोलॉजिस्ट डू, वी टू कैन नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम्स फ्रॉम ओल्ड कॉइंस, स्टोन्स, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग्स एंड मेटल प्लेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट की तरह हम भी हमारी जो एंशियंट टाइम की हिस्ट्री है वो जान सकते हैं। तो वो कैसे? तो जो एंशियंट टाइम्स के जो भी कॉइंस है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है या फिर जो मेटल प्लेट्स है, उसके ऊपर रिसर्च करके। यहाँ पे एक वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो कि हमारी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करता है और एंशियंट टाइम की हिस्ट्री हमें बताता है। आर्चिव्स, आर्चिव मीन्स अ प्लेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। आर्चिव मीन्स कि जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं वो जगह। वन ऑफ द नेशनल आर्चिव्स इज लोकेटेड एट दिल्ली, और जिसमें से एक नेशनल आर्चिव्स दिल्ली में लोकेटेड है जिसका नाम है नेशनल आर्चिव्स ऑफ दिल्ली। हियर इज फाइव इंस्टीट्यूशन वेयर वी कैन नो अबाउट अवर एंशियंट हिस्ट्री। यहाँ पे चार ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम अलग अलग तरीके के जो एंशियंट टाइम के जो भी सोर्सेस है वो हमें मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी जो कि नॉर्थ गुजरात पाटन में है। नाउ सेकंड वन इज एलडी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा जो कि अहमदाबाद में है। नाउ थर्ड वन इज ट्राइबल म्यूजियम जो कि गुजरात में है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज महावीर जैन आराधना केंद्र जो कि कोबा गांधीनगर में है। यहाँ पर हमने जाना कि हिस्ट्री जानने के अलग अलग सोर्सेस है, जिसमें से हमने जाना कि मेटल प्लेट्स है, इंस्क्रिप्शन है, ताड़पत्रास है, भोजपत्रास है, पुरानी बिल्डिंग्स है, ये सारे सोर्सेस है जिसके ऊपर हम रिसर्च करके हमारी हिस्ट्री जान सकते हैं। जिसमें से भोजपत्रास यानी क्या? तो भोजपत्रास मीन्स कि वन टाइप ऑफ राइटिंग ऑन स्किन ऑफ भोज ट्री। नाउ सेकंड वन इज ताड़पत्रास, तो ताड़पत्रास इज ऑल्सो अ पाम ट्री एंड इट्स स्किन वी यूज इन अ रिटर्न फॉर्म। थर्ड वन इज इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मीन्स अ कार्विंग ऑन मेटल प्लेट्स और स्टोन। फोर्थ वन इज आर्चिव्स, आर्चिव मीन्स अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर और रिकॉर्ड अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। एंड द लास्ट वन वी लर्न अबाउट द फोर इंस्टीट्यूशन।